में अनंत ज्ञान है, लेकिन कुछ मुख्य रूप से जो चीजें हैं सभी को जानना चाहिए। समय के साथ और समयाभाव के कारण बहुत लोग इन चीजों को नहीं जानते हैं। आप खुद भी जानें और सपरिवार आप इसको ध्यान से देखें और मित्रों को भी बताएं। यह सनातन धर्म दर्शन का सबसे पहले हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इस संसार में जो भी ज्ञान है सारे के सारे ज्ञान यहीं से निकले। शास्त्र है वेदांग, सांख्य, निरुक्त, व्याकरण, योग, न्याय दर्शन, ज्योतिष शास्त्र से निकले हुए ही योग शास्त्र, दो विद्याएं व्याकरण और निरुक्त, नदियां हैं जिनकी पूजा होती है, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। सरस्वती नदी यूं तो विलुप्त हो गई है, लेकिन प्राचीन काल में यह उपस्थित थी, समय के साथ इनका विलुप्त हो गया। पूरा पुराण है, मत्स्य पुराण, मार्कंडे, भविष्य, भगवत, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्म वामन, वराह, ये सभी पुराण यूं तो ज्ञान से भरे हैं, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज्यादा प्रचलित है, जहां ईश्वर के सभी दर्शनों का अध्ययन मिल जाता है। पुराण वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कुर्म और स्कंद पुराण। प्रायः किसी भी पूजा पाठ में पंचामृत का सदुपयोग किया जाता है। दूध, दही, घी, मद, शक्कर का यह मिश्रण होता है, जिसमें अनेक रोगों को ठीक करने का अमृत प्राप्त होता है, इसीलिए इसको पंचामृत बोलते हैं। अमृत का स्वरूप है ये। जल पावक, गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, इन्हीं पांच तत्वों से यह शरीर बना हुआ है, इन्हीं पांच तत्वों से बना है और अंत काल में इन्हीं पांच तत्वों में मिल जाए गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर, सत, रज और तम। सत से सत्य और ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान पैदा होता है। वात, पित्त, कफ, इन तीनों को संतुलित करके सभी रोगों से दूर रहा जा सकता है। आकाश, मृत्यु और पाताल लोक, हम लोग जहाँ रहते हैं वह मृत्यु लोक है, यह मृत्यु हर प्राणी की निश्चित है। सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मथान सागर, मधु सागर, मदिरा सागर, जम्बुद्वीप, शंकर द्वीप, पलक्ष द्वीप, कांच द्वीप, कुश द्वीप, तालमाली द्वीप और पुष्कर देवता हैं या साक्षात भगवान है, ब्रह्मा, विष्णु, जीव, जलचर, नरचर, थलचर, जो एक पानी में रहता है, एक जो आकाश में और तीसरा जो जमीन पे रहता है, ब्राह्मण जो पठन पाठन के कार्य करते हैं, समाज सेवा इनका मुख्य रूप से कार्य है, क्षत्रिय जो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, देश की रक्षा और परिवार की रक्षा का जिम्मेदारी होता है, वैश्य जो व्यापारी वर्ग है जो अपने मेहनत से समाज की भोजन पूर्ति और आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और शूद्र जो सेवा का कार्य करते हैं, नौकरी पेशा वाले सभी लोग शूद्र के श्रेणी में आते हैं। चार फल कहे गए हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। धर्म सबसे सेंटर में होना चाहिए, आप कोई भी कार्य करें सबसे पहले आपका धर्म, धर्म से ही अर्थ और धर्म स्वरूप ही काम और साथ में ही चार शत्रु हैं। यदि धर्म से काम करते हैं तो वह पुरुषार्थ है, लेकिन काम वासना से काम करते हैं तो वह नरक ले जाने के लिए है। क्रोध जो सारे दुखों का कारण है, मोह और लोभ, काम, क्रोध, मद, लोभ, नाथ, नरक के पंथ, ये नरक में ले जाने के लिए।
आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, या 25 साल के उम्र तक प्राय रहता है गृहस्थ आश्रम। जब आप वैवाहिक संस्कार के बाद गृहस्थ आश्रम धारण करते हैं, जब बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो वानप्रस्थ आप गृहस्थ आश्रम छोड़ देते हैं और संन्यास आश्रम जो पूर्ण रूप से परमपिता परमात्मा की सेवा कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर देते हैं। धातु जिसका बहुत ही वैज्ञानिक महत्व है, सोना चांदी तांबा लोहा सीसा कांस पित्तल रंग। अष्ट धातु शरीर पे बहुत तरह के प्रभाव छोड़ते हैं और खास करके सकारात्मक। पांच देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और सूर्य, इन सभी को भगवान का नाम दिया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश तो कभी कभी और किसी बहुत ही बड़े भक्त को दिखते हैं, लेकिन सूर्य भगवान आपको रोज सुबह अमृत लेकर के आते हैं। रोज सुबह सूर्योदय के समय आप उनका नमन करें, सूर्य नमस्कार करें, हमेशा आप स्वस्थ और मुस्कुराते रहेंगे। रथ जो समुद्र मंथन में निकला था, अमृत रावत हाथी कल्प वृक्ष वस्तु मणि उच्च सर्वा घोड़ा पांच जन्य शब्द जो कृष्ण भगवान बजाते हैं। काम धेनु गाय धनवंतरी रंभा अप्सरा लक्ष्मी माता जी वारुणी और थे, समुद्र मंथन के दौरान इनकी प्राप्ति हुई थी। भक्ति भगवान की भक्ति करने के तो अनेक स्वरूप है, लेकिन भगवान श्री राम शबरी को यह नौ विधि बताते हैं। सबसे पहले भगवान का कहीं भजन हो रहा हो तो आप उसे अच्छे से सुनें, कीर्तन करें, स्मरण करें, पादुका सेवन करें, अर्चना करें, प्रार्थना करें, वंदन करें, मित्र व्यवहार रखें, दास अपने को उनका दास समझें और आप स्वरूप है और मीरा सबरी अजामिल और न जाने कितने भक्तगण इन विधियों को अपना करके अपने जीवन को सार्थक बना चुके भगवान है। कल अतल वितल सुतल रसातल पताल भूलोक मृत्युलोक यमलोक वरुणलोक सत्यलोक ब्रह्मलोक नर्क और स्वर्ग सब अपने कर्मों का परिणाम है। महत्वपूर्ण जानकारी को स्वयं भी जाने और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। हम सभी सनातन धर्म अवलंबी बहुत ही भाग्यशाली हैं, इस भारत भूमि पे साक्षात ईश्वर का दर्शन कर पा रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है। हम सभी मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, यह हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत